press the bell icon. Never miss an update. देखिए, आप जंप करके देखिए, इस तरह से जंप कीजिए, मार्कर को फेंक के देखिए, फौरन से। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन का अनदर टॉपिक, जो कि है ग्रेविटेशनल फील्ड। इससे पहले ये चैप्टर हम बड़ी डिटेल से जान चुके हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जान चुके हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जान चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई तो यहाँ मौजूद लिंक पर क्लिक कीजिए और पहले वो वीडियोस ज़रूर देखिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है और न्यूटन्स थर्ड लॉ किस तरह से उस पर पूरा उतरता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ कैसे रिजेंबल करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के। तो ये सारा कुछ आप पहले जान लीजिए, फिर बढ़ते हैं इस टॉपिक की जानिब जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। देखिए, ग्रेविटी किसे कहते हैं, बड़ी डिटेल के साथ हमने पढ़ा था, फिर थोड़ा सा इस पर मैं दोबारा नजर डाल देता हूं। ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन का ताल्लुक मैस के साथ है। हर मैस रखने वाली बॉडी, हर मैस रखने वाली, टाइनी से टाइनी, बड़ी से बड़ी, न्यूटन के अकॉर्डिंग, जो कि बिल्कुल सही कंसेप्ट है कि न्यूटन के अकॉर्डिंग हर मैस रखने वाली बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, दैट इज ग्रेविटी। इसे ग्रेविटी कहा जाता है। यहाँ हम ग्रेविटेशनल फील्ड का जो टॉपिक है वो मंसूब करेंगे, वो हम खास तौर पर स्पेसिफिकली उसकी बात करेंगे अर्थ के लिए, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे। हालांकि चांद की भी है, मार्स की भी है, वीनस की भी है, नेपच्यून की भी है, सन की भी है, गैलेक्सी हमारी के अंदर जितने प्लैनेटरी सिस्टम हैं उनकी भी ग्रेविटेशनल फील्ड है। पहले जान लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड कहते किसे हैं। देखिए, इससे पहले हमने ये जाना था कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। एक मैस दूसरे पर, दूसरा पहले पर, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की कीमत जो न्यूटन ने कैलकुलेट की वो थी जी एम वन एम टू ओवर आर स्केयर या एम एम ई ओवर आर स्केयर। ये एम और एम ई कहाँ से आया? एम जो मैस हम कंपेयर कर रहे हैं अर्थ के साथ, वो मैस जो ज़मीन पर पड़ा हुआ है छोटा सा जैसे मैं हूँ, और दूसरा एम ई क्या है? एम ई स्टैंड्स फॉर मैस ऑफ अर्थ, और आर यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दीज टू मैसेज। एक मैस जो यहाँ पर है, मिसाल के तौर पे मैं ही हूँ, मेरे सेंटर और ज़मीन के सेंटर के माबेन जो फासला है उसे आर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और कैलकुलेशन के दौरान जो आर है उसका स्केयर आता है, यानी फोर्स आर के स्केयर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये हम डिटेल के साथ जान चुके थे। तो बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के गिर्द गिर्द ऐसी जगह जहाँ ज़मीन, जहाँ हमारी अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच सकती है, वो रीजन, वो जगह जहाँ ज़मीन दूसरी बॉडीज को अपनी तरफ खींच सकती है, उस रीजन को, ज़मीन के इर्द गिर्द उस जगह को ज़मीन की, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कहा जाएगा। यानी जहाँ ज़मीन ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकती है दूसरी बॉडीज पे, मैं ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड में हूँ। क्या सबूत है? आप खुद देखिए, आप जंप करके देखिए, इस तरह से जंप कीजिए, मार्कर को फेंक के देखिए, फौरन से पहले तो ये ऊपर जाते हुए स्लो डाउन होगा और फिर आप देखेंगे ऊपर से नीचे आते हुए फास्ट 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 होता जाएगा। ये कौन सी चीज़ है जिसने इसे ऊपर जाते हुए स्लो कर दिया, ऊपर जाने ना दिया, और कौन सी चीज़ है जिसने इसे वापस खींच लिया और रफ्तार इसकी तेज़ कर दी? तो ये है ज़मीन की ग्रेविटी, और ज़मीन की ग्रेविटी इसके मैसिव मैस की वजह से है। इसका मैसिव मैस है, बहुत बड़ी हमारी अर्थ है, जिस वजह से इसकी ग्रेविटी, इसकी अट्रैक्शन, जिसकी कशिश सेंटर की तरफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, हर चीज़ को ज़मीन अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो ये कहां तक मुमकिन है जमीन के लिए, कहां तक मुमकिन है? जहां तक कोई बॉडी जाए और उसे महसूस हो कि जंप करने पर, छलांग लगाने पर जमीन उसे अपनी तरफ खींच लेगी, वहां तक जमीन की ग्रेविटी फैली हुई है। जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड वो जगह, वो रीजन, ये देखिए जैसे एरोस से शो करवाया है, जमीन के हजारों मील तक वो जगह जहां जमीन क्या कर सके, अर्थ क्या कर सके, दूर जाती बॉडी को, नजदीक आती बॉडी को अपनी तरफ खींचे, अट्रैक्ट करे, दूर कोई बॉडी जाना चाहे उसे जाने ना दे, जी हाँ, नजदीक आ रही है तो ज्यादा फोर्स से उसे खींचे, जमीन की वो फील्ड, वो रीजन क्या कहलाती है?
ग्रेविटेशनल फील्ड। फील्ड कहते हैं रीजन को, जगह को। जैसे हमारी फील्ड होती है जी, हमारे चार खेत हैं, पांच खेत हैं, हमारी फील्ड है, कोई घुस के दिखाए उसमें। ऐसे अर्थ के गिर्द एक फील्ड है जो नज़र तो नहीं आ रही, महसूस की जा सकती है। जैसे मैं इस वक्त ग्रेविटेशनल फील्ड में मौजूद और महसूस हो रहा है, जैसे हमको ढीला छोड़ के देखिए फौरन से गिर जाएंगे। पता ये चला कि मैं अपनी फोर्स की वजह से यहाँ तवाज़ुन कायम किए खड़ा हूँ, छोड़ दूँ ढीला जो ज़मीन फौरन से पहले अपनी ग्रेविटी दिखाएगी और मुझे मुँह के बल गिरा देगी। ऐसे मार्कर को मैंने फोर्स से उठाया हुआ है, वर्क करके छोड़ के देखिए आपको ज़मीन की ग्रेविटी नज़र आएगी। सो ग्रेविटेशनल फील्ड वो जगह होती है जहाँ अर्थ, खास तौर पे मैंने आपसे कहा हम किसके साथ मंसूब कर रहे हैं, अर्थ के साथ। हालांकि चांद के सरफेस पर जाएंगे, चांद के इर्द गिर्द देखेंगे तो मून की ग्रेविटेशन फील्ड होगी। मार्स की बात करेंगे, मार्स की ग्रेविटेशन फील्ड होगी। हम अर्थ पे हैं तो हमें अर्थ की ही बात करनी है। ज़मीन के गिर्द गिर्द इर्द गिर्द वो जगह जहाँ ज़मीन दूसरी बॉडीज़ पर क्या लगा सके, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सके, अपनी तरफ खींच सके। कोई उससे दूर जाना चाहे तो दूर जाने ना दे, बहुत ज़्यादा फोर्स उसे चाहिए हो, जैसे रॉकेट को ऊपर जाने के लिए मैसिव फोर्स चाहिए, ईंधन चाहिए, तब वो ज़मीन की ग्रेविटी से दूर जा पाता है। नॉर्मली हम जो भी चीज़ थ्रो करते हैं वो दूर नहीं जा पाती, पलट के वापस आ जाती, क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटी से निकलना बहुत मैसिव फोर्स लगाओगे तभी इसकी ग्रेविटी से निकल पाओगे। और कंटिन्यूस रफ्तार चाहिए और वेलोसिटी बढ़ती जानी चाहिए, तब मुमकिन है कि आप ज़मीन की ग्रेविटी, ज़मीन जहाँ जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकती है और उसका रुख हमेशा 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 ज़मीन के सेंटर की तरफ है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे ज़मीन ओवल है, अंडे की तरह है, स्फीराइड है, जी हाँ, ज़मीन अपने सेंटर की तरफ बॉडीज़ को खींच रही है, खींची जा रही है, खींची जा रही है। किसके ज़रिए? अपनी ग्रेविटेशन फोर्स के ज़रिए बॉडीज़ को खींच रही है। और कहाँ तक मुमकिन है? जहाँ तक तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड फैली हुई है, जहाँ तक ग्रेविटेशन फील्ड फैली है वहाँ वहाँ ज़मीन ग्रेविटेशन फोर्स लगा सकती है और उसका रुख हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ज़रूरी नहीं मैं ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट करूँगा तो मुझे फोर्स महसूस होगी, हवा में भी होगे तो ग्रेविटेशन फोर्स महसूस होगी। लेकिन अगर आप खला में चले गए, स्पेस में चले गए, वहाँ आपको ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशन फोर्स महसूस होना खत्म हो जाएगी, आप बिल्कुल आजाद हो जाएंगे। और इंटरेस्टिंग चीज ये है, आपका वजन, ये मेरा जो वजन है जो मैं मेजर करता हूं स्प्रिंग बैलेंस के साथ बाद में, मेरा जो वजन असल में ये जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से है। अगर ज़मीन ग्रेविटेशन फोर्स मुझ पे ना लगाए, जैसी स्पेस में नहीं लगा सकती, मैं ज़मीन से बहुत मैसिव फासले पर चला जाता हूँ, ज़मीन मुझ पर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगा पाती, तो स्पेस में हमने पढ़ रखा है बॉडीज़ को अपना वज़न महसूस नहीं होता। मुझे वहाँ जाके अपना वज़न महसूस क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरा वज़न तो असल में, मेरा वेट तो असल में ज़मीन की कशिश की वजह से था, ज़मीन की अट्रैक्शन की वजह से था, ज़मीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से था जो मैं अपना वज़न महसूस कर रहा हूँ। टेबल अपना वजन महसूस कर रहे हैं, ये दीवारें, ये घर, ये गाड़ियां, ये बंगले, जितना भी इनका वजन है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ है, ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से। और ज़मीन की ग्रेविटी आज खुदा ना खास्ता ख़त्म हो जाए, जो क़यामत के दिन ख़त्म होने वाली है, पहाड़ रेजा रेजा होने वाले हैं, तब कोई भी बॉडी अपना वेट महसूस नहीं करेगी। रुई के, आपने सुना होगा कुरान पाक में भी, रुई के उसकी तरह वो हवा के अंदर ऐसे बिखरे होंगे हर चीज़, पहाड़ भी और सब कुछ। तो इस तरह से बच्चों, ज़मीन की ग्रेविटी से मुराद इट्स मैसिव साइज होने की वजह से ज़मीन जिन बॉडीज़ को अपनी तरफ खींच रही है, कहाँ तक खींच सकती है? खास रीजन तक खींच सकती है, जो उसका रीजन ग्रेविटेशनल फील्ड है, और जिस फोर्स से खींचती है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास है वो कैलकुलेट की गई, ज़मीन के करीब करीब और ज़मीन के ऊपर ऊपर, मैं हूँ, कोई गाड़ी हो, कोई जहाज़ हो, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल, मैंने पहले कहा ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये फील्ड फोर्स है, ये फील्ड फोर्स है, यानी फील्ड के अंदर अंदर लगती, फील्ड के बाहर ये ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस नहीं होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है बॉडीज़ के ऊपर, जो हमेशा ज़मीन के सेंटर की तरफ होती है, अर्थ के सेंटर की तरफ। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास है, यानी अगर आप जानना चाहते हैं इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ज़मीन की ग्रेविटेशन फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, तो आप कैसे मालूम कर सकते हो? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, पता कैसे? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे?
चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक फार्मूला पढ़ा था अपने वेट का, वही फार्मूला यूज़ करूँगा। अगर आप जानना चाहते हो कि ज़मीन बड़े से बड़े मैश पर, पहाड़ पर, मुझ पर, तिनके पर, छोटी पर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है इसकी, तो आइए कैलकुलेट कर लेंगे। W इज इक्वल टू एम जी। जी हाँ, दिस जी, ये जो जी है ना जी, दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जिसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, चैप्टर 2 के आखिरी टॉपिक में पढ़ा था। जी यही रह जाएगा, W ओवर एम। और आप जानते हैं वेट का यूनिट न्यूटन और मैस का यूनिट kg, और ये आपके पास यूनिट बन गया न्यूटन पर kg। दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ये हर किसने पर केजी, याद रखिएगा, फोर्स पर केजी, फोर्स पर केजी, फोर्स पर केजी हर बॉडी पर जमीन एक जितनी लगा रही है। जमीन के करीब करीब जो बॉडी जमीन के साथ टच कर रही है, सतह समुंदर पर है, जमीन के ऊपर है, बिल्कुल जमीन को टच कर रही है, जमीन पर केजी हर बॉडी पर, मैसिव से मैसिव बॉडी का पर केजी लो, अपना पर केजी लो, 1 kg लो, चींटियां 1 kg इकट्ठी करो, उनका मैस पर केजी लेके देखो, तो जमीन इन पर इनकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, 10 newton per kg। ये है 10 newton per kg, 1 kg के ऊपर 10 newton फोर्स जमीन लगा रही है। 1 kg किसी भी बॉडी का ले लो, रुई 1 kg ले लो, या 1 kg छोटा सा पत्थर ले लो, 1 kg सोना ले लो, 1 kg कुछ भी ले लो, आपके पास 10 newton per kg ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है जमीन की, ग्रेविटी के अंदर अंदर, वो भी खास तौर पर कहाँ पर, जब आप जमीन के ऊपर खड़े हैं। जैसे जैसे आउटर स्पेस ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, इसकी ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी, क्योंकि आप जमीन से दूर हटते जाएंगे, इसके खींचने की कुव्वत, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटी से परे हट रहे हो। जैसे एटम के अंदर होता है बेटे, न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जितना कोई इलेक्ट्रॉन बाहर होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना न्यूक्लियस को उसको कंट्रोल रखना, फोर्स लगाना मुमकिन नहीं होता, बहुत कम फोर्स लगा पाता है, वीक फोर्स होती है। ऐसे ही ज़मीन की ग्रेविटी के करीब करीब अब आप होंगे, उसके नज़दीक होंगे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 10 newton per kg, जितना मर्जी मैसिव बॉडी हो उसका kg उठाइए, जितना मर्जी लाइटर बॉडी हो उसका 1 kg लीजिए, तो 10 newton फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ होगी। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको ग्रेविटेशन फील्ड समझाई, अर्थ फील्ड, जमीन की जो फील्ड है, द अर्थ, द फील्ड अराउंड अर्थ इन विच इट कैन क्या कर सकती है, इट कैन एग्जीक्यूट, इट कैन अप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स, जमीन के गिर्द वो जगह जहां जमीन क्या लगा सकती है, इट कैन अप्लाई, इट कैन एग्जीक्यूट ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट रीजन, दैट स्पेस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा किस तरफ फोर्स लगाती है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये था टॉपिक, जो बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा, लॉन्ग में भी आएगा, तो मैंने आपको समझा दिया। और न्यूटन ने इसे प्रीवियसली कैलकुलेट कर दिया था, वो क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू मैसेस, चाहे ज़मीन हो या चांद हो, चाहे छोटे से टाइनी से दो बॉडीज़ हो, मैं ही हो या कैमरा हो, ये सारी चीज़ों के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऐसे मालूम की जा सकती है। आज का टॉपिक इतना, इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, जिसमें हम वेरिएशन ऑफ जी, ये जो जी आपने कैलकुलेट किया है विद आल्टीट्यूड, उसके साथ कैलकुलेट करेंगे कि जैसे जैसे बुलंदी में जाते हैं, इसमें जी में क्यों कमी आती है, इसकी वैल्यू में क्यों कमी आती है, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्यों कम होती जाती है, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे कि ज़मीन की ग्रेविटी किस वजह से है और हमारा वज़न, इन चीज़ों का वज़न किस वजह से है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थ। चाँद पर चले जाएँ तो वज़न क्यों थोड़ा है, क्योंकि चाँद का साइज़ ज़मीन के साइज़ से छोटा है, उसकी ग्रेविटेशनल पुल थोड़ी है, उसका साइज़ छोटा आने की वजह से ग्रेविटेशन फील्ड भी कमज़ोर है, ग्रेविटेशन फोर्स भी कम होगी, वहाँ पर ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी, जिस वजह से आपका किसी भी चीज़ का वहाँ जाके वज़न भी कम महसूस होगा। और स्पेस में क्यों नहीं है वज़न, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशन फील्ड नहीं है, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पर बॉडीज़ को अपना वज़न महसूस नहीं होता। ये था आज का हमारा टॉपिक, इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।